नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश का संकेत है। आने वाले 5 दिनों के अंदर आपके 5 बड़े सपने सच होकर रहेंगे। जे दोस्तों, और यह सपने को सच होने से धरती पर दुख्या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी रोक नहीं सकते। जे दोस्तों, और जब इनके बारे में आप सुनेंगे तो दोस्तों खुशी से आप झूमने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हम आप शुरू बता दें कि जो भी देखने वाले थे आपके जनकाल में, जो कहते थे कि देखेंगे यह क्या कर सकता है, दोस्तों उन सभी का अब होश उड़ने वाला है। जी दोस्तों, अब आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में ये 3 बड़े संकेत आप सभी के पूरे जीवन काल को बदल देंगे। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो को भूल से भी आप मिस ना कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़े संकेत है, बहुत ही बड़े सपने हैं। और दोस्तों, अगर यश में आप कोई भी गलती कर देंगे, कोई भी नादानी कर देंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका नसीब इन सफलताओं से चूक सकता है। तो दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपको यश में 3 से 4 बड़ी बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी भगवान ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महेश्वर के सच्चे प्रेम भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हो ब्रह्मदेव, जय विष्णुदेव और जय हो महेश्वर। दोस्तों, आप शिव के जनकाल के सारे कष्ट दूर होंगे और दोस्तों ये सपने आपके यश में सच होकर रहेंगे। तो आए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। आपको बता दें कि व्यक्ति के हंसमुख चेहरा यह नहीं दर्शाता है कि वह कितना खुश में है या फिर कितना दुख में है। जी दोस्तों, एक हंसमुख चेहरा यह दर्शाता है कि व्यक्ति को कितने दर्द सहने की क्षमता है। जी दोस्तों, और आप भी अपने जीवन काल में ऐसा ही बनिए। जी दोस्तों, क्योंकि अगर आप व्यक्ति को दुख प्रकट करते हैं तो दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं युवा समय उनका लाभ उठाएंगे और आपके पीठ पीछे वो आपको मजाक उड़ाएंगे। जी दोस्तों, इसलिए आप कभी भी किसी के सामने अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ ना दिखाइए। आपके जग में कुछ भी ना हो, फिर भी आप सहनशील और साहसी बनने की कोशिश करिए। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में व्यक्ति का कोई जेब नहीं, बल्कि उनका ऊपर का पहनावा देखता है, उनका ऊपर का चेहरा देखता है। तो दोस्तों, हर वक्त आप खुश और हंसमुख रहने का प्रयास करिए। कि दोस्तों, आपके हंसते चेहरे भी आपके दुश्मन को अंदर ही अंदर जला कर खा कर देंगे। आप बहुत जल्दी किसी पर यकीन कर लेते हैं। ये दोस्तों, इस बात को ध्यान सुनिएगा कि जो भी अनजान व्यक्ति आपके समक्ष आते हैं, जिन्हें आपके साथ आए हुए कुछ दिन ना हुए हैं और उनके ऊपर जो है आप बहुत ही जल्दी विश्वास करते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है। कि जो भी व्यक्ति हो आपके समक्ष, जो भी कोई आया हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको उनके ऊपर सोच विचार करना है, फिर ही कोई जो है कार्य करना है। जे दोस्तों, और आज से ही अपने जीवन काल में आप सुधार करें। इसके साथ ही दोस्तों, आपके जीवन काल की आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप अपनी जो भी कार्य करने वाले हैं उन्हें दूसरे के सामने उजागर कर देते हैं। जे दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको कोई भी आने वाले समय में कार्य करना हो, कुछ भी आपको आरंभ करना हो, किसी चीज की शुरुआत करना हो, तो दोस्तों ऐसे में वह चीज़ों को, वह प्रोजेक्ट को आप किसी के सामने उजागर ना करें। कि दोस्तों, इन्हीं का फायदा उठाकर वे आपके ऊपर कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि आपके कार्य शुरुआत में ही बहुत ही घाटा देते हैं। तो दोस्तों, इस बात को भी अपने जीवन काल में आपको याद रखना चाहिए कि अपने जीवन काल में कोई भी जो गुप्त बातें हैं वह किसी और के साथ शेयर न करनी है। जी दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, आपकी जीवन की 3री गलती यह है कि आप उन लोगों की आज से ही पहचान करना शुरू कर दीजिए जो कि आपके मुंह पर तो अच्छे बोलते हैं और आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराइयां करते हैं। ये दोस्तों, इस बात को आप जाने अनजाने में नज़रअंदाज कर देते हैं, तो दोस्तों इन्हें आपको बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करनी है। जो व्यक्ति आपको लगे कि ये आपके लायक नहीं है, ये आपकी बुराइयाँ करती है, ये आपके कार्यों में, आपके जीवन काल में आपको सिर्फ ही सिर्फ नुकसान करवाते हैं, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को भी आप टाइम निकाल कर इनकी पहचान करें, इनके ऊपर ध्यान दें और इन्हें अपने जीवन काल से निकाल दें। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं यही व्यक्ति है जो कि आपको अभी तक गड्ढे में गिरा रही है। मुंह के सामने तो ये आपसे अच्छी बात करते हैं और पीठ पीछे आपके बहुत ही बुरा ही करते हैं। यूँ कहें तो पीठ पीछे आपके लिए नुकसान के ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही आप इन व्यक्तियों की भी पहचान करिए, इन्हें बिल्कुल ही नज़रअंदाज ना कीजिए। क्या दोस्तों, तो आए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद से अब आपके कौन कौन से 5 सपने सच होने वाले हैं। दोस्तों, यह समय
आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण करने का समय होगा। दूसरों के प्रभाव में इसमें अपनाएं और अपने वसूलों और सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य करें। आपको बता दें कि आपको वैसा ही सफलता इसमें प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी जो समय होंगे, आपको बता दें कि नौकरी अथवा इंटरव्यू आदि में सफलता की आपके योग बन रही है। और इसके उपरांत इसमें अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो आपकी किसी महत्वपूर्ण वस्तु के खोने या फिर चोरी होने जैसी आशंका बन रही है। अपनी चीज़ों की संभाल आप स्वयं ही करें। दोस्तों, बनते कार्यों में कुछ व्यवधान इसमें आ सकते हैं, परंतु तनाव लेने की अपेक्षा यश में आपको समस्या का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ये आपके लिए यश में उचित साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों पिछले समय में मिले धोखे की वजह से लोगों पर विश्वास फिर से रखना आपके लिए कठिन रहेगा। निजी रिश्तेदारों के साथ किसी भविष्य संबंधित व्यवहार या फिर पेशे से संबंधित व्यवहार करते समय अपनी क्षमता से बाहर जाकर कोई भी काम ना करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। आज के उपरांत दोस्तों ये समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए जो समय होंगे, बहुत ही अनुकूल समय होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल में जाने का प्रोग्राम भी यश में बन सकता है, तथा शांति भी यश में आप महसूस करेंगे। किसी प्रिय मित्र के साथ उपहारों का आदान प्रदान भी यश में रह सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी प्रकार का तनाव हावी रहेगा, परंतु यश में अपनी मन स्थिति मजबूत बनाकर रखें, शीघ्र ही परिस्थितियाँ समान हो जाएंगी। समस्याओं से घबराने की बजाय उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। आपको बता दें कि दोस्तों अपने नज़दीकी लोगों के साथ संबंधों में और अधिक मधुरता लाएं, ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में परिवार के साथ संबंध अच्छे बने रहने की वजह से आपको मानसिक समाधान भी प्राप्त होगा। जिन संबंधों को आप गहरा बनाना चाहते हैं, उनके प्रति दिखाई हुई निष्ठा आपके लिए उपयुक्त रहेगी। भाई बहनों में भी यश में प्यार बढ़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में भाग्य आपको हर परिस्थिति से जूझने की शक्ति प्रदान कर रहा है, अतः समय का भरपूर सदुपयोग करें और अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें। दूसरों पर अधिक विश्वास करना यश में आपके लिए उचित नहीं रहेगा। शादी दोस्तों सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने के बजाय उन्हें बांटना भी यश में आपको सीखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की समस्याओं में उलझने से आपके अपने व्यक्तिगत काम प्रभावित होंगे, तथा स्वास्थ्य पर भी इनका नकारात्मक असर पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आपको दिखावे की प्रवृत्ति से भी दूर रहना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों मन की चंचलता और स्थिरता होने के कारण किसी एक बात पर एकाग्र होना आपके लिए कठिन होगा। आपको बता दें कि इनकी वजह से आसान काम भी आपको मुश्किल लग सकता है। खुद पर विश्वास रखकर आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। परिस्थिति कठिन नहीं है, लेकिन मेहनत और लगन दिखाने की यश में आपको आवश्यकता हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि आपको महसूस होगा कि कोई ईश्वरीय शक्ति भी आपको जो है साथ दे रही है, या फिर आपके कामों को कर रही है। ऐसा दोस्तों आपके मेहनत के अनुसार ही काम होंगे। आपको बता दें कि अपने आत्मविश्वास और फिर मेहनत द्वारा आप कोई बड़ी उपलब्धि भी यश में हासिल करने में सक्षम रहेंगे। आय के यश में नए स्रोत भी बनने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों कुछ नकारात्मक परिस्थितियाँ सामने आ सकती है, परंतु आप आसानी से उन्हें हल करने में भी सक्षम रहेंगे, बशर्ते आपको यश में मेहनत करने की आवश्यकता होगी, चिंताओं को ढूंढने की आवश्यकता होगी कि कहाँ से यश में समस्या का हम हल कर सकते हैं। इन पर यश में आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए दोस्तों ये जो समय है, आपको बता दें कि बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी होगा। लेन देन करते समय ध्यान रखें कि कुछ नुकसान भी यश में आपसे हो सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समझूंगी। आपको बता दें कि दोस्तों काम चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन उसे पूरा करने का उत्साह आपको इसमें सफलता दिलाएगा। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखने की वजह से माता पिता की चिंता भी इसमें कम होने वाली है। प्रगति के महत्वपूर्ण अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।